हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं व्लॉग कई दिन बाद स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली दिवाली के बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। कुछ तो मेरे जगराते वाले व्लॉग पड़े थे, वो चल रहे थे। और सेकंड थिंग, मेरे ना थोड़ा मूड भी ख़राब था, थोड़ा तबीयत भी, बिकॉज़ मेरे फादर इन लॉ भी बीमार हैं, मेरे पापा भी बीमार हैं, तो मेरा कुछ व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। कुछ मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, ख़राब इन द सेंस कि थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। दिवाली पे बहुत वर्कलोड हो गया था मुझ पर, अकेली पड़ गई थी। ये तो इनका तो ये टाइम ना टूर वाला होता है दिवाली वाला, तो सारा कुछ मुझे ही मैनेज करना था, तो इस वजह से मेरे को थोड़ी सी थकान ज़्यादा हो गई। कुछ मूड नहीं था ठीक, तो मिला जुला सा सब कुछ चल रहा था, तो मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। और देखो पूरा वीक निकलने वाला है अब। इवन गोवर्धन वाले दिन और भैया दोज वाले दिन तो मेरी ये हालत थी कि मुझे यही नहीं पता था मैं कहाँ पे हूँ। इतनी थकान, बाप रे। ये गए उठ जाओ, मैं कहा नहीं उठ रहा। वैसे मेरा प्रोग्राम था भाई दूज पे घर जाने का, लेकिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी तो मैं नहीं गई। मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने तो फिर बाद में चली जाऊँगी। और मैंने अभी हेयर वॉश किया ना, तो बड़े प्यारे से बाल हो रहा है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने हेड एंड शोल्डर यूज़ किया है, जबकि मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि हेड एंड शोल्डर यूज़ नहीं करना चाहिए। हेड एंड शोल्डर से ना बाल ख़राब हो जाते हैं। मेरे बहुत अच्छे बाल थे पहले, लेकिन हेड एंड शोल्डर कंटिन्यू यूज़ करने की वजह से डेंड्रफ हो ही जाता है, सभी के बालों में हो जाता है। और मैं जगह जगह रहती थी, कहीं हॉस्टल में रही, नानी के यहाँ रही, कभी गाँव इधर उधर, तो पानी बदलने की वजह से मुझे बहुत जल्दी से डेंड्रफ हो जाता था। तो मैंने ना लगभग 15 से 16-17 साल लगभग मैंने कॉन्टिन्यू हैंड एंड शोल्डर यूज़ किया, जिसकी वजह से ना मेरे बाल बहुत स्लीक हो गए। वैसे तो शाइनी हैं, अच्छे खासे शाइन बहुत अच्छी है मेरे बालों में, सिल्की हैं तो, लेकिन वो स्लीक इतने ज़्यादा हो गए कि बहुत हल्के हो गए। इसी की वजह से अब मुझे बाल कटवाने पड़े। मुझे ये बात पहले पता होती थी, मैं कभी भी यूज़ नहीं करती। तो वैसे मैं 3-4 साल हो गए मेरे को, मैं अभी कोई भी हेड एंड शोल्डर यूज़ नहीं करती हूँ। कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। बट मेरे को ना इचिंग हो रही थी बालों में, तो मैंने गुड्डा को, मैंने कहा देखना बेटा मेरे बालों में क्या है, तो बोली मम्मी आपको डैंड्रफ हो रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो एक पाउच मंगा लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत दिन बाद हेड एंड शोल्डर की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, मेरा फेवरेट है कहें तो यही है। और ये देखो मेहंदी, ये गुड्डा ने मेरे हाथ में मेहंदी लगाई है। सो फर्स्ट टाइम मैं ऐसी लेटी हुई थी और पता नहीं इसने मेरे हाथ में जो डिज़ाइन बना हुआ था ना उसी को कॉपी करने की कोशिश की, और कैसा हाथ मेरा कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय, मुझे चाय पीनी है, बहुत तेज मन कर रहा है चाय पीने का। जरा सब बाहर निकलो और रॉक्सी यहाँ खड़ी हो जाएगी आके, किसी को भी नहीं निकलने देती बाहर। इसके कान देखो। छूना छूनी, इसकी ना थोड़ी सी तबीयत डाउन है, फीवर तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा शायद ये ठंड फील कर रही है। छूनो चने चने पे बन रही है हमारी चाय। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरा ऑलमोस्ट काफ़ी सारा काम ख़त्म हो गया है, बस झाड़ू पोछा करना है। तो मैंने कहा पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद लगती हूँ। रॉक्सी की ब्रशिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, और आप भी आइए चाय पीजिए गरम गरम। और ये चाय पियेंगे हम मिट्टी के ग्लास में, कुल्लड़ वाला टेस्ट आएगा, टेस्टी टेस्टी चाय। गैस जैसी स्मेल आ रही है बाहर आके, और हमने अपनी सारी लाइट्स निकाल दी क्योंकि बहुत तेज़ हवा चली थी ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे बारिश आएगी, तो फिर निकाल दी। और ऊपर वो छोटा सा रेड कलर का बादल, वो देखो कितना प्यारा लग रहा है कैमरे में भी। टॉमी क्या है, कैमरे में भी कितना प्यारा लग रहा है वो बादल, वो रेड एकदम। में डालो थोड़ा सा सामान, यहाँ पे लाइट नहीं है, इतनी बड़ी मंडी लगा रखी है, लाइट नहीं है। तो
अभी आए थे हम यहाँ पे सब्जी लेने, सब्जी लेंगे और अभी रॉक्सी के लिए फीड लेना है, रॉक्सी का फीड खत्म हो गया है। आज पता नहीं हर जगह कुत्ते क्यों रोते हुए मिल रहे हैं, यहाँ भी रो रहा है, वहाँ घर पे टॉमी रो रहा था इतना ज़्यादा, यहाँ इतना, ये देखो यहाँ इतना हट्टा कट्टा कुत्ता बैठा है, ये रो रहा है। अभी मुकेश गए हैं वहाँ से दही लेने, वैसे तो दही का सीज़न नहीं है बट रायता खाने का मन था तो बनकर दही ले आओ। और हम कर रहे हैं यहाँ बैठकर वेट, जो कि हमारा सबसे बोरिंग काम है। मुझे वेट करना सच में बहुत ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा, और वो भी ऐसी पोल्यूशन वाली जगह तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। अभी मुकेश गए हैं चावल लेने और मैं वापस यहीं स्कूटी पर बैठ गई, मैं कहीं नहीं जा रही, बस मैं स्कूटर पर बैठी हुई हूँ। हैं शोना, आओ छोना बच्चा, जाओ बाहर से सामान लेके आओ, जाओ बहुत कुछ लाया है, रॉक्सी का आया है आज तो, रॉक्सी के लिए अच्छा अच्छा खाना आया है, रॉक्सी के लिए अच्छा अच्छा खाना आया है, रॉक्सी के लिए अच्छा अच्छा। चन्ना 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 अच्छा सीट, मेरा बच्चा बुद्धू बच्चा, और ये बुद्धू ही है। तो अभी हम आ गए मार्केट से, बहुत सारा सामान लेके आए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कहीं कुछ लाना था, किसी का कुछ लाना था। और ये मैंने आज बेडशीट बदली थी और मैंने बच्चों को कहा कि इसको रख देना उठा के, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे हैं कि वो कहाँ सुनने वाले हैं, मुझे ही सुनना पड़ता है। ये क्यों नहीं उठा के रखे, ये देखो ये देखो, इतना शरीफ बच्चा है। हाँ कितना क्यूट है तू। ठंडा होने लगा है तो दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं, मतलब उतना भी ठंडा नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा तो ठंडा है। इस रूम में ये कर्टेन तो अच्छे से जा रहे हैं। आधे डाल के फिर डालने ही कैसे? हाँ नीचे डालनी है, एक मिनट मुझे फ्लोर देखने दो, कितना प्यारा लग रहा है। तो सुंदर सा लग रहा है, है ना? कर रेशे भी निकल के कितने अच्छे आ रहे हैं। बस अब एक बार आ जाएंगे सेट हो जाएगा तब। बीच में डालना है कैसे? जय श्री राम। आटा हाँ, खाना खाया? क्या खाया? क्या सब्जी रोटी बड़ी पापा ने बनाई? अरे वाह, आ गई है इस पे किचन वाली दीवार पे सीलन, मैं यही बोलती थी कि पर आंगन वाली झाड़ू से यूं ही हो जाएगी, जरा सा डाल के एसिड और वो ये सीलन। इधर पता कहाँ चलेगा? इधर पता नहीं लगेगा। इधर पाइप जा रही है कोई? पाइप फिर वैसे ही आ रही है जैसे हमारे उस कमरे में आ रही है ऊपर वाले में। पता नहीं कब आएंगे मम्मी पापा, अब तो मुझे एक एक दिन वेट लग रहा है, जल्दी से आ जाएं फिर तो मैं रोज यहाँ पे आया करूँगी। ये कितनी सुंदर टाइल है ना, एकदम से रफ है, देख के एकदम से प्यारी लगती है। मैट में है, पहले तो सोचा था शाइन लें बट फिर मैंने कहा नहीं मैट लेते हैं, तो ऊपर की और नीचे की दोनों ये मैट में लिए हैं, ब्लैक और वाइट।
ये सारे पौधे जब बड़े हो जाएंगे तो जगह कहाँ बचेगी? आम हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, ये हो गया अशोक, क्रिसमस। हमारा क्रिसमस कब वो होगा? ठीक, अभी मुकेश चले गए अपने घर। एक्चुअली मेरे फादर इन लोगों की तबीयत ठीक नहीं है तो वो वहाँ गए हैं। तबीयत तो पापा की भी ख़राब है लेकिन उनकी उतनी ख़राब नहीं, अभी ठीक है। शाम को मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे आराम है अभी, लेकिन मुकेश के पापा की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ रहा है बार बार, एक साल से यही चल रहा है उनके साथ कि उनको ना एस्थमा की प्रॉब्लम है, तो जैसे उनकी सांस फूलती है तो फिर उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है बार बार, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो मैं भी बोल रही थी, मैंने कहा मैं भी चलती हूँ साथ में, बट ये बोले पहले मैं जाता हूँ, अगर कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब लगेगी तो फिर बुला लूँगा। घर में कोई बीमार हो तो मन थोड़ा सा अजीब रहता है, मेरा पापा की वजह से वैसे ही ख़राब था, अभी और ज़्यादा हो गया। बच्चे शैतानी में लगे हुए हैं, अभी छोटे हैं, उनको समझ नहीं है कि क्या चल रहा है घर में क्या नहीं। लेट्स सी क्या होगा, अपनी खुद की मेरी तबीयत डीपी चल रही है। वैसे मूड आज इतना ख़राब सा रहा है ना, इस बार दिवाली पे ऐसा नहीं रहा जैसे हमेशा होता था ना, खुश खुश एकदम से काम पूरे किए, सब कुछ किया, लेकिन ऐसा नहीं था मन, बहुत जैसे बहुत अच्छा वाला होता है वो वाला नहीं था। होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है वो कुछ। तो मैं इस चक्कर में भी थोड़ा सा अपसेट हो गई थी कि प्लानिंग थी ना दिवाली पे मम्मी पापा इधर आ जाएंगे, वो नहीं आए थे, तो उस वजह से भी थोड़ा सा मेरा मन ख़राब हो गया था। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं कल आपको एक अच्छे से ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना। मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।